वीडियो जो है मैसी फैंस के लिए है और अर्जेंटीना के फैंस के लिए है। तो ये एम्बापे और ये फ्रांस के जो फैंस है ना, ये अगर ये ना ही देखे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यार कल एम्बापे और मैसी ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है और अर्जेंटीना की टीम ने किस तरीके से मतलब वर्ल्ड कप खेला था, क्या अमेजिंग मेमोरी थी यार, अमेजिंग मेमोरी जिसे कहता हूँ ना, अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरी थी। क्योंकि मैं चाहता था कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीते, मैं क्या पूरी अर्जेंटीना फैंस चाहते थे यार, के फैंस है ना वो सब चाहते थे कि भाई ये अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड कप जीते और वर्ल्ड कप जीत के ना वापस आए। और यकीन करो वो पहला मैच सऊदी अरब वाला मैच से लेके और फाइनल तक वो मैच ऐसा था कि भाई क्या कमाल का वर्ल्ड कप था। मतलब उस मेमोरी के ऊपर कल फीफा मैन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है वो मैसी को मिला है, और सबसे बेस्ट मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड स्केलोनी को मिला है, और इमी मार्टिनेस को बेस्ट गोल कीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो मतलब अर्जेंटीना की साइड से ना चारों पांचों और फीफा फैंस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अर्जेंटीना के फैंस को मिला है। तो मतलब यार कमाल का मतलब कल अवार्ड सेरेमनी थी, जहाँ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैं कुछ कुछ चीज़ें मैंने देखी, कुछ कुछ चीज़ों मैं बताता हूँ कि मैंने क्या देखा। मैंने अच्छा सबसे मज़े की बात अब मैं बताता हूँ कि वो ये कि भाई आपने वर्जिल वैन दाइक को मतलब क्या मतलब किस वजह से दिया है अवार्ड यार। इसके ऊपर मेरे भी थोड़ा सा बैंक कंसर्न हो गए बैंक कि यार वर्जिल वैन दाइक की जगह आप फ्रांस के रफाइल वरान को बैंक दे देते तो ये ज़्यादा अच्छा होता। या तो फिर अगर मैं कहूँ तो भाई मोरक्को की टीम के जो डिफेंडर्स हैं उनको मिलना चाहिए था। लेकिन खैर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एर्लिंग हालैंड का नाम पता नहीं क्यों आ गया उधर, मैं नहीं चाहता था कि यार उसका नाम आए, क्योंकि यार वर्ल्ड कप खेला ही नहीं है भैंस। जो बंदा वर्ल्ड कप नहीं खेला, मैं अपने ही टीम के फैन अपने टीम प्लेयर्स के बारे में बोल रहा हूँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ कि एर्लिंग हालैंड तो था ही नहीं वर्ल्ड कप में, तो उसके ऊपर तो बनते हैं डाउट। वर्जिल वैन दाइक की जगह बनती थी लेकिन वो तुम्हें पता है वहाँ से वो वर्ल्ड कप में कहाँ से कटे। हाँ तो भाई क्रोएशिया के जो डिफेंडर्स वगैरह हैं वहाँ तक आ जाते। तो खैर ये सारी चीज़ें भाई बहुत अच्छा अवार्ड सेरेमनी हुई और हमारे मैसी भैया ने अवार्ड सेरेमनी को जीता, तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा और अच्छी बात है भाई कि यार अर्जेंटीना की टीम को अगर मैं मेमोरीज में बताऊं तो यार क्या अमेजिंग मेमोरी थी वो वर्ल्ड कप की, और क्या अमेजिंग मतलब सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप हुआ है अब तक का, सो फार सो येट। क्योंकि अभी आने वाला वर्ल्ड कप जो है ना वो यूएसए और कनाडा में होने वाला है और मेक्सिको में होने वाला है, तो उसके ऊपर तो हम लोग बाद में बचौदी करेंगे। लेकिन हर चीज़ का अपना टाइम होता है। कतर के बारे में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वर्ल्ड कप बेकार होने वाला, घटिया है, ऐसा है वैसा है, इसकी टाइमिंग और शेड्यूल और ये वो ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो सब चीज़ें गलत हो गई, वो सब चीज़ें गलत हुई हैं और वो वर्ल्ड कप जाके एक अमेजिंग वर्ल्ड कप बना था। तो हमने अपनी विटनेस किया कि कैसे वर्ल्ड कप में कि यार क्या नहीं था उस वर्ल्ड कप में, क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। इतने मिरेकल मोरक्को जैसी टीम सेमीफाइनल में आके आई है यार, जब से एक ये अमेजिंग चीज़ हुई है। उसके बाद फ्रांस बैक टू बैक वर्ल्ड कप का फाइनल खेल ली है, किलियन एम्बापे ने उस टीम के साथ कमबैक किया और वो फाइनल में हार गए अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना और फ्रांस जो लास्ट वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 में तबाही मैच खेले थे वही मैच उन लोगों ने खेला, और फ्रांस के बाद की प्लेयर नहीं थे भाई, की प्लेयर नहीं थे। तो ये भी मज़े की बात है कि फ्रांस के पास कॉन्टे प्रोग्बा और जैसे प्लेयर मौजूद नहीं थे भाई, पावार्ड जैसे प्लेयर मौजूद नहीं थे भाई, करीम बेंजेमा नहीं था उनके पास, फिर भी वो वर्ल्ड कप के फाइनल में गए। और मतलब क्या मतलब अमेजिंग वर्ल्ड कप भाई कहूँगा, तो अमेजिंग वर्ल्ड कप, अमेजिंग फाइनल, और मतलब फैंस तो भाई खुशी खुश होंगे अर्जेंटीना के। और मैसी भैया को मतलब अवार्ड डिजर्व करता था यार, क्यों नहीं करता था, उस बंदे की इतनी एफर्ट थी, वो टीम को लीड कर रहा था, टीम का कैप्टन था, स्कलोनी उस टीम का मैनेजर था, और एमी मार्टिनेस का अगर मैं बोलूँ तो भाई जितना बोलूँ कम है भाई। उसने जो लास्ट मोमेंट पे आगे सेव किया था ना वो फ्रांस का गोल जो उसने मारने की कोशिश करी थी अपने क्या नाम है डिम्बोज ने, तो भाई अगर वो ना ही करता ना तो भैंचोद ये वर्ल्ड कप फ्रांस का होने वाला था। और एमी मार्टिनेस तुम्हें पता है गोलकीपर का अवार्ड उसको वैसे भी वर्ल्ड कप में मिला ही था और अभी यहाँ पे आके भी उसको मिला है। तो भैया ये तो सब एक वर्ल्ड कप की जर्नी के ऊपर बात है भाई, मेरी वर्ल्ड कप की जर्नी जो है ना वो ये है कि बहुत अमेजिंग वर्ल्ड कप जो ये जर्नी रही, मज़ा आया मुझे इस अवार्ड सर्वरी में, और खुश हूँ भाई मैं अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप जीतने से, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये चीज़ काफ़ी टाइम से नहीं हो रही थी, तो भाई ये अब हुई है। तो
अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा भाई, मज़ा आ गया। और वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी हो, तुम लोगों को कैसी लगी वीडियो, तुम लोग अपनी अपनी जो राय है ना वो मुझे तुम कमेंट्स वगैरह में बता सकते हो। मैसी फैंस, तो भाई मुझे बता देना तुम लोग, और वीडियो को लाइक कर लेना, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर नए चैनल पे हो तो सब्सक्राइब लाजमी करो भाई, और फेसबुक पे देख रहे हो तो भाई रिएक्ट भी कर देना। मैं फिर तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो सिर्फ ना वर्ल्ड कप के जर्नी के ऊपर थी, मैसी के लिए थी, तो इसलिए बोल रहा था कि शुरू में कि मैसी फैन ही देखें।